इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो के जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में और विप्रो के शेयर प्राइस के ग्रोथ के बारे में, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट यहां से हो सकता है, क्या शेयर प्राइस में तेजी देखने मिलेगा या शेयर प्राइस में गिरावट देखने मिलेगा, इन सारी चीजों को। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, ये ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है कि विप्रो और विप्रो के जो सब्सिडरी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर कंपनियां उसका कंबाइंड रिजल्ट। तो ये कंबाइंड रिजल्ट हम देख रहे हैं विप्रो और उसके सब्सिडरी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर कंपनियों का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल जो इनकम है कंपनी का, तो टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ है, फिर देखेंगे टोटल एक्सपेंस कितना था कंपनी का, फिर उससे नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया कंपनी ने। तो सबसे पहले यहाँ देखिए टोटल इनकम, तो ये है मिलियन में, देखिए रुपीज इन मिलियन, तो मिलियन को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हो जाएगा करोड़ में। तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो एक डिजिट गायब हो जाएगा, जैसे एक डिजिट गायब होगा तो आपका बचेगा 19,045 करोड़। तो 19,045 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ से कंपनी ने, क्योंकि एक डिजिट तो गायब हो गया 10 से डिवाइड करने में। वहीं मार्च क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था 16,778 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस बात कर लेते हैं तो एक डिजिट यहाँ से गायब कर दीजिए, 15,571 करोड़। तो यहाँ से तो और ज़्यादा जंप हुआ है, लगभग देखिए 3,500 करोड़ का रेवेन्यू जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू में जंप हुआ है, मतलब इनकम में जंप हुआ है कंपनी का। अब बात करते हैं एक्सपेंस का, तो कंपनी का एक्सपेंस जो है टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर का वो एक्सपेंस है 15,172 करोड़ का, क्योंकि मिलियन में है तो आप मिलियन को 10 से डिवाइड कर देना है। तो 15,172 करोड़ का यहाँ से टोटल एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में। तो एक्सपेंस भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था मात्र 13,029 करोड़ का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर में एक्सपेंस था 12,479 करोड़ का, तो काफी ज्यादा एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। यहां से कंपनी कितना प्रॉफिट रेज की उसको देखते हैं, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहां से एक डिजिट गायब कर देना है तो 3,873 करोड़ का, और वहीं पिछले क्वार्टर में था प्रॉफिट 3,749 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर में था मात्र 3,095 करोड़ का, तो यहां से तो जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जंप, 778 करोड़ का प्रॉफिट में जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना जंप हुआ है कंपनी का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर एक डिजिट गायब कर देना है क्योंकि मिलियन में है, तो हो गया 3,248 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में था ये प्रॉफिट 2,974 करोड़ का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। वहीं पिछले साल मतलब पिछले फाइनेंशियल के जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 2,411 करोड़, तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है, देख सकते हैं 800 करोड़ का प्रॉफिट में जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस, तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप है प्रॉफिट में। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो देखिए इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है 5.94 रुपीज़, पिछले क्वार्टर मार्च में था 5.39 रुपीज़, तो यहाँ से तो काफ़ी जंप देखने मिल रहा है हमें। यहाँ से देख सकते हैं आप लगभग 55 पैसे का जंप हुआ है अर्निंग पर शेयर में। वही बात करें पिछले फाइनेंशियल के जून क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर था 4.20 रुपीज़, तो यहां से तो और भी काफी जबरदस्त जंप है, 1.74 रुपीज़ का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे, तो काफी जबरदस्त जंप है अर्निंग पर शेयर में, प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। अब हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के ग्रोथ का, क्योंकि रेवेन्यू में प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में तो गजब का इंक्रीज देखने मिला है, मतलब विप्रो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो अब हम शेयर प्राइस के चार्ट का देखते हैं, तो देखिए शेयर प्राइस का चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन रहा है, चार्ट काफ़ी सॉलिड है, 2-3 के गिरावट से विप्रो लगातार बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, क्योंकि ये बोनस शेयर काफ़ी गजब का देता है, ये बोनस शेयर के रूप में आपके शेयर को कंपाउंडिंग करता है,
शेयर के कंपाउंडिंग करने से शेयर का प्राइस का कंपाउंडिंग अपने आप हो जाता है। तो इन्वेस्ट इसको इस शेयर में तभी करना होता है जब ये गिरावट मिले, क्योंकि ये पिछले एक साल में तो काफी गजब का रिटर्न दिया है, अदरवाइज ये काफी स्लो मोमेंटम करने वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले एक सालों में, और स्टॉक का जो प्राइस है अपने लो 160 रुपीज से अभी 575 पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप क्या इन्वेस्ट करें या नहीं, अगर करंट प्राइस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस दो तरह का होता है, एक जो 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, उनके लिए इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, बल्कि जितना गिरावट मिले, डीप मिले, उस गिरावट पे आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। कंपनी फंडामेंटल्स में जब तक कोई दिक्कत नहीं आता है तो कंपनी में आपको एग्जिट करने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 1 year के लिए, तो यहाँ पर अगर आप करेंट प्राइस पर भी बाय करते हैं तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से रिटेस्ट करता है, या हो सकता है यहाँ से शेयर में गिरावट भी टेम्पोरी देखने मिले, क्योंकि जो एस्टीमेट है बड़े बड़े एक्सपर्ट का, अगर विप्रो का रिजल्ट उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया तो ये तेजी आपको उल्टा गिरावट में बदल सकता है। अगर मार्केट के एस्टीमेट को बीट करता है रिजल्ट तो ये तेजी बना रह सकता है। लेकिन चार्ट देखने से यहाँ पता चल रहा है कि पिछले 2 दिन से काफी तेजी हुआ है, मतलब मार्केट को पहले से पता था विप्रो का रिजल्ट काफी बेहतरीन आने वाला है, और यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो आप जो है 563 के नीचे अपना क्लोजिंग बेसिस अपना स्टॉप लॉस रख लें शॉर्ट टर्म के लिए। अगर थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यहाँ पर 520 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस, और करेंट प्राइस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जो 5 years, 10 years के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो SIP मोड में इन्वेस्ट करें, जब जब स्टॉक गिरावट दिखाता है तब तब इन्वेस्ट करें। और इस शेयर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अगर ये 400 के नीचे आ जाता है, क्योंकि 400 के नीचे इसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस आ सकता है, जो तभी होगा जब मार्केट में फिर से कोई बड़ी गिरावट होती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है विप्रो में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना है, विप्रो का रिजल्ट कैसा रहा। इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।